दोस्तों आज हमने बनाया है एक बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट रेसिपी जो कि है अफगानी ऑमलेट। इसको बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से बन जाती है। सबसे पहले हम लेंगे कुकिंग ऑयल और उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ आलू और इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पका लें। अब इसमें ऐड करें बारीक कटा हुआ प्याज और इसको भी ट्रांसलूसेंट होने तक पकाते रहें। ये देखिए दोस्तों हमारा प्याज भी ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब इसमें ऐड करें बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा मिलाएं और इसमें ऐड करें ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और ढक कर लगभग 2 मिनट के लिए पकाएं। तो ये देखिए दोस्तों हमारे सारी चीजें अच्छे से पक रही हैं। अब इसको पैन में अच्छे से इस तरीके से फैला लें और इसकी एक लेयर क्रिएट करें। इसको अच्छे से फैला लेने के बाद इसके ऊपर से डालें आप अंडे। जहां दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप कितने अंडे डालना चाहते हैं। यहां पर हमने 5 अंडे डाले हैं। अंडे डालने के बाद दोस्तों अंडे के ऊपर हल्का सा काली मिर्च और नमक छिड़कें ताकि हमारे अंडे फीके ना लगें। साथ में इस पे डालें धनिया पत्ता और हरी मिर्च। अब बस दोस्तों इसको ढक कर लगभग 7 से 8 मिनट तक के लिए छोड़ दें अच्छे से पकने के लिए। ये लिए दोस्तों हमारा अफगानी ऑमलेट बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको अंडा थोड़ा हार्ड पसंद है तो इसको 2 मिनट के लिए और पकने दे सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट है सर्व करने के लिए। तो इसको हम कट करके अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं, है ना दोस्तों बिल्कुल इजी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी। इसे ब्रेड और बन के साथ गर्मा गर्म खाएंगे तो मजा आ जाएगा। आप भी बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका अफगानी ऑमलेट कैसा बना। यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करते और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।